हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ टू ऐड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम एंड हाउ वी कैन डिलीट कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम ओके हम डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं ओके सो लेट अस स्टार्ट एडिंग कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम फर्स्ट हम करेंगे कि डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड किया जा सकता है राइट मेथड वन फर्स्ट मेथड क्या है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ओके ये इक्वल्स का साइन होता है वो क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्योंकि वैल्यू को असाइन करता है फाइन तो सबसे पहले हम कॉलम को ऐड करेंगे किसकी हेल्प से यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर फाइन तो इसका सिंटेक्स क्या है डी एफ डीएफ यहाँ पे क्या है डेटा फ्रेम का नेम फाइन ओके विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम कॉलम नेम मतलब वो कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हो आप उसका नेम दोगे Find equals इक्वल्स के बाद या आप इक्वल्स बोलो बाद आप दोगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज अब जो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज आप देना चाहते हो वो एज अ लिस्ट आप असाइन करोगे कॉलम नेम को अंडरस्टूड सिंटेक्स आप इसे देखो डेटा फ्रेम का नेम डीएफ यहाँ पे मैंने लिख रखा है आप कोई भी नेम ले सकते हो डेटा फ्रेम का कॉलम नेम वो कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हो डेटा फ्रेम के अंदर ओके विद इन ब्रैकेट ओके इक्वल्स इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपने किसका uh, क्या लिस्ट ऑफ वैल्यूज को uh, दिया है जो क्या बनेगी कॉलम की वैल्यूज ओके यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं डीएफ डेटा फ्रेम का नेम ओके okay. अब यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम है डीएफ राइट उसमें कॉलम्स है नेम स्टूड क्लास सेक्शन एंड मार्क्स राइट वी ऑलरेडी अ डेटा फ्रेम हमारे पास यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है अब इसके अंदर हम क्या ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर हम एज कॉलम को ऐड करना चाहते हैं और इसकी हमने वैल्यूज यहाँ पे दे दी है सिक्सटीन सिक्सटीन फिफ्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फोर्टीन लाइक ओके अब ये ध्यान रखना है वैल्यूज कितनी होनी चाहिए जितना ऑलरेडी uh, उसके अंदर रोज है ठीक है डेटा फ्रेम जो बना हुआ है उसके अंदर जितनी रोज है उतनी ही आप वैल्यूज जो एडिट कॉलम ले रहे हैं उसमें आप डिफाइन करेंगे फाइन यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया डेटा फ्रेम को ऐड कर दिया है अलोंग विद द वैल्यूज अब आप क्या करोगे प्रिंट करा दोगे डीएफ को ओके अब आप प्रिंट कराओगे डीएफ को तो आप, आप आउटपुट में क्या देखोगे एक न्यू कॉलम इसमें ऐड हो चुका है एज और उसकी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई फाइन समझ आ गया वेरी सिंपल है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे डेटा फ्रेम का नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट यू विल गिव द कॉलम नेम कॉलम का नाम दोगे ओके इक्वल इक्वल्स टू आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज दोगे जो उस कॉलम की वैल्यूज होंगी फाइन

आप डेटा फ्रेम में ऐड कर रहे हो तो अगर उस नेम का कॉलम ऑलरेडी यहाँ पर है मान लो एज कॉलम ऑलरेडी था ठीक है लेकिन मैंने फिर भी क्या किया डी एफ एज करके वैल्यूज दे दी तो ये क्या करेगी जो पुरानी एज की जो जो पुराना वाला जो ओल्ड वाला एज कॉलम था उसकी वैल्यू को न्यू वाला जो कॉलम है वो रिप्लेस कर देगी मतलब जो न्यू वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी और पुराने वाला जो एज कॉलम था वो वैल्यू क्या होंगी रिप्लेस हो जाएंगी वो वहां से डिलीट हो जाएंगी हट जाएंगी फाइन और अगर इस नेम का कोई कॉलम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा अलोंग विद द वैल्यूज समझ आया अगर ऑलरेडी एज कॉलम है और आप फिर भी एज कॉलम को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा न्यू वैल्यूज आ जाएंगी एज कॉलम के अंदर पुरानी वाली जो ओल्ड वाली है वो रिप्लेस हो जाएंगी वो चली जाएंगी फाइन लेकिन अगर एज कॉलम नहीं है तो क्या होगा एज कॉलम ऐड हो जाएगा अलोंग विद द वैल्यूज ओके ओके नेक्स्ट मेथड क्या है कॉलम ऐड करने का यूजिंग सीरीज फंक्शन ओके हम लोग सीरीज फंक्शन का यूज करके डेटा uh, फ्रेम के अंदर कॉलम को ऐड करेंगे फाइन तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है डी क्या है डेटा फ्रेम का नेम एफ नेम यहाँ पे हमने लिया कॉलम नेम इक्वल्स इक्वल्स के बाद आपने क्या किया है पी डी डॉट सीरीज यहाँ पे पी डी क्या है पीडी है राइट पांडास पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ओके पी डी डॉट सीरीज ओके और सीरीज के अंदर आप क्या बोल uh, क्या पास करोगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज समझ आया आपने डेटा फ्रेम का नेम लिया ओके डी एफ इज द डेटा फ्रेम नेम स्क्वायर ब्रैकेट में आपने वो कॉलम नेम लिया जो आपको ऐड करना है फाइन राइट ओके इक्वल्स किया पांडास का फंक्शन फंक्शन आप के अंदर आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास किया ओके okay. एंड एक इंडेक्स पैरामीटर भी आपको यहाँ पे देना है और इंडेक्स पैरामीटर में आप क्या करोग दोगे जो वैल्यूज जो कॉलम की वैल्यूज आप एज अ लिस्ट पास कर रहे हो ये उसकी क्या है इंडेक्स वैल्यू फाइन और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है क्या जो इंडेक्स आप दोगे इंडेक्स वैल्यू वो क्या होनी चाहिए वो डेटा फ्रेम की इंडेक्स वैल्यू से मैच करनी हो, करती होनी चाहिए फाइन वन जीरो वन वन जीरो टू तो यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू डेटा फ्रेम में है वही इंडेक्स वैल्यू आप इंडेक्स जो एट्रीब्यूट या पैरामीटर आप पास करे उसमें वो वही वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे फाइन अब देखो हमारे पास डेटा फ्रेम डी एफ था तो उसके अंदर ये कॉलम्स थे नेम्स टू क्लास सेक्शन मार्क्स एज राइट हमने एक और ऐड कर दिया एफ नेम एफ नेम किसकी हेल्प से हमने ऐड किया है सीरीज फंक्शन की हेल्प से ऐड किया यहाँ पे सीरीज फंक्शन क्या करेगा इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा सीरीज में ओके एंड वी नो डैट जो डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम कॉलम्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सीरीज होते हैं फाइन तो यहाँ पे क्या कर देगा इसको जो लिस्ट आपने पास की है और इन, उसको कन्वर्ट कर देगा सीरीज में और वो सीरीज़ कहाँ पे ऐड हो जाएगी वो सीरीज़ एज अ वैल्यू ऐड हो जाएगी आपके एफ नेम कॉलम में अंडरस्टूड फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया प्रिंट डी एफ अब देखो यहाँ पे एक कॉलम आ गया एफ नेम आप जो ये प्रोग्राम्स हैं इनको एग्जीक्यूट कर सक कर सकते हो जो भी आपके पास एडिटर हो लाइक मैं ये प्रोग्राम्स करती हूँ नोटबुक पर ओके okay? एंड uh, आपकी जो पाइथन नोटबुक होती है उस पर मैं इसको uh, करती हूँ आप किसी भी एडिटर पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं फाइन फाइन नोटबुक ओके अब देखो यहाँ पे हमने सीरीज से क्या किया लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कन्वर्ट किया सीरीज में सीरीज फंक्शन की हेल्प से हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कन्वर्ट किया में. वो सीरीज कहा चलेगी अ वैल्यू फाइन ओके हेयर अ न्यू कॉलम एफ नेम इज एडेड टू डेटा फ्रेम डी एफ यूजिंग सीरीज फंक्शन तो यहाँ पे हमने एक नया कॉलम ऐड किया है एफ नेम डेटा फ्रेम डी एफ डी एफ के अंदर और यूजिंग सीरीज फंक्शन सीरीज फंक्शन को यूज करके सीरीज फंक्शन ने क्या किया लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया सीरीज में और उसको हमने क्या ऐड कर दिया डेटा फ्रेम में फाइन

Understood? देखो इफ वी डू नॉट मेंशन द इंडेक्स अगर हम इंडेक्स को मैंशन नहीं करते हैं वाइल इंसर्टिंग द कॉलम्स विद सीरीज डेटा ठीक है जब हम कॉलम uh, को इंसर्ट करें सीरीज डेटा uh, uh, को लेके वो कॉलम जिसके अंदर कौन सा डेटा है सीरीज डेटा है कॉलम इज एडिड कॉलम तो एड हो जाएगा बट वैल्यूज आर नॉट इंसर्टेड पर उसकी वैल्यूज नहीं आएगी समझ आया इंडेक्स देना बहुत जरूरी है अगर इंडेक्स नहीं दोगे तो कॉलम नेम आ जाएगा सिंपली बट क्या होगा उसकी वैल्यूज अपीयर नहीं करेंगी फाइन ओके नेक्स्ट मेथड इज एडिंग कॉलम्स यूजिंग असाइन फंक्शन अब यहाँ पे हम असाइन फंक्शन का यूज करेंगे फाइन तो इसका इंडेक्स क्या है डेटा फ्रेम डॉट असाइन ओके डेटा फ्रेम का नेम डॉट असाइन फंक्शन और असाइन मेथड असाइन न्यू कॉलम टू आर डेटा फ्रेम तो ये क्या करता है एक न्यू कॉलम असाइन कर देता है डेटा फ्रेम को रिटर्निंग अ न्यू ऑब्जेक्ट और अ कॉपी विद द न्यू कॉलम्स एडेड टू द ओरिजिनल वन तो यहाँ पे क्या है जो डेटा फ्रेम ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें चेंज नहीं आ रहा है एक कॉपी क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर वो न्यू कॉलम एडेड है अंडरस्टूड ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है वो सेम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो न्यू कॉलम ऐड होगा वो किसमें होगा वो डेटा फ्रेम की कॉपी क्रिएट होगी उसके अंदर वो कॉलम ऐड होगा अंडरस्टूड ओके एग्जांपल ऐड अ न्यू कॉलम हॉबी इन द डेटा फ्रेम डीएफ हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है अगर हमें उसके अंदर न्यू कॉलम ऐड करना है यूजिंग असाइन फंक्शन हम कैसे करेंगे डी एफ इक्वल्स ओके, okay, df इक्वल टू डी एफ डॉट असाइन और असाइन फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप वैल्यूज पास कर रहे हो हॉबी हॉबी यहाँ पे कॉलम uh, का नेम है इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज फाइन तो आपने क्या किया df. डॉट असाइन फंक्शन के अंदर आपने कॉलम का नेम पास किया ओके एंड कॉलम ने इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो क्या बनेंगी कॉलम की वैल्यू अंडरस्टूड ओके okay, तो यहाँ पे फिर क्या है एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा हॉबी नेम से और उसकी वैल्यूज होंगी क्रिकेट चेस जो आपने इसको असाइन फाइन नाउ प्रिंट प्रिंट डीएफ डीएफ अब आप DF को करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले डेटा फ्रेम डीएफ था ओके okay, जिसमें क्या थे फोर कॉलम्स थे नेम्स टू क्लास सेक्शन मार्क्स अब यहाँ पे एक कॉलम और आ गया है हॉबी राइट right? आपने हॉबी किसकी हेल्प से ऐड किया है आपने असाइन फंक्शन की हेल्प से हॉबी कॉलम को ऐड किया है ओके विद असाइन फंक्शन यूज ऑफ इंडेक्स इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे इंडेक्स का uh, की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडेक्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है फाइन सिंपली आपने डी एफ डेटा फ्रेम के असाइन फंक्शन के अंदर कॉलम नेम uh, को पास किया कॉलम नेम इक्वल्स एंड द लिस्ट ऑफ वैल्यूज ठीक है ओके नाउ वी नेक्स्ट मेथड वी हैव इंसर्टिंग कॉलम्स यूजिंग इंसर्ट फंक्शन ओके अब हम कॉलम को इंसर्ट करेंगे इंसर्ट फंक्शन का यूज करके इंसर्ट इंसर्ट मेथड अस टू अ अ कॉलम इन डेटा फ्रेम पांडा का इंसर्ट मेथड अब ये ध्यान रखो मेथड वर्ड आता है या फंक्शन वर्ड आता है इन दोनों का मीनिंग सेम है ओके इंसर्ट मेथड क्या करता है अलाउज अस टू इंसर्ट अ कॉलम हम लोगों को कॉलम इंसर्ट करने में हेल्प करता है डेटा फ्रेम में फाइन और एक इसका फंक्शन

कॉलम को ऐड कर सकते हैं फाइन नाउ इसका सिंटेक्स क्या है डी एफ डी एफ है डेटा फ्रेम uh, का नेम डॉट इंसर्ट और इंसर्ट फंक्शन के अंदर आप तीन पैरामीटर्स पास करेंगे लोकेशन कॉलम नेम एंड वैल्यू कॉलम वैल्यू फाइन लोकेशन कॉलम का नाम और कॉलम की वैल्यूज राइट अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इंसर्ट अ कॉलम वो उसको कहा करना है सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पर उसको करना है सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पर उसको आपको इंसर्ट करना है राइट right? अब आपने एक वेरिएबल लिया IDX, okay, उसको आपने असाइन किया वैल्यू टू Fine, क्योंकि हमें सेकेंड इंडेक्स पर लेना है तो यहाँ पे हमने क्या, क्या? एक वेरिएबल के अंदर टू को असाइन कर दिया है ठीक है हम ग्रेड कॉलम ले रहे हैं तो ग्रेड हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ऑल लिया ग्रेड और उसके अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया ग्रेड्स को

कॉलम का जो नेम है वो क्या है ग्रेड्स फाइन वैल्यू और जो कॉलम की वैल्यू क्या है वो ये है हम उस हमने हमने वैल्यू को असाइन कर दिया ग्रेड वेरिएबल जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ग्रेड्स दे रखे हैं समझ आया यहाँ पे सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया लोकेशन लोकेशन के अंदर आपने आईडियज की वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि क्या है टू सेकंड इंडेक्स पोजीशन फिर आपने कॉलम नेम दे दिया ग्रेड्स कॉलम नेम इक्वल्स इक्वल्स टू ग्रेड्स देन आपने थर्ड वेरिएबल या वैल्यू वैल्यू के अंदर आपने असाइन कर दिया ग्रेड वेरिएबल को क्योंकि उसके अंदर क्या है लिस्ट ऑफ ग्रेड्स है फाइन नो no. अब आपने प्रिंट करा दिया डीएफ को ओके okay. अब यहाँ पे देखो आपका ग्रेड कॉलम क्या है सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे आया है आपके जीरो इंडेक्स पर है नेम एंड वन इंडेक्स पे है आपका स्टूडेंट क्लास सेकंड इंडेक्स पे आपका आ गया ग्रेड ओके तो इंसर्ट फंक्शन का क्या क्या यूज है इसकी हेल्प से हम किसी भी पोजीशन पर डेटा डेटा फ्रेम में कॉलम को ऐड कर सकते हैं फाइन किसी भी पोजीशन uh, पर आप कॉलम को ऐड कर सकते हो ओके ओके नाउ वी विल डू हाउ वी कैन डिलीट अ कॉलम इन अ डेटा फ्रेम हम डेटा फ्रेम के अंदर से कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं ओके तो यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड है मेथड वन डेल डेटा फ्रेम कॉलम नेम यहाँ पे डेल कीवर्ड का यूज किया जाएगा डेटा फ्रेम का नेम और जो कॉलम आपको डिलीट करना है वो ओके नेक्स्ट मेथड है डेटा फ्रेम डॉट पॉप फंक्शन पॉप फंक्शन के अंदर आप कॉलम नेम को पास करोगे थर्ड मेथड है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन जहां पे आप इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करोगे उस कॉलम की जिसको आपको डिलीट करना है या फिर आप सीक्वेंसेस ऑफ इंडेक्स दोगे मतलब बहुत सारे इंडेक्स वैल्यूज दोगे जो जो कॉलम्स आपको डिलीट करने हैं अब इसको हम वन बाय वन समझेंगे कैसे ओके okay. यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम ले लिया डी एफ ओके जिसके अंदर कॉलम्स क्लास सेक्शन मार्क्स एज एंड एफ नेम ओके फर्स्ट मेथड है आपका डेल डेटा फ्रेम कॉलम नेम ओके okay, डेल कीवर्ड आप यूज करोगे डेटा फ्रेम का नेम दोगे और उस कॉलम को आप स्पेसिफाई करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आप डिलीट करना चाहते हो ओके कंसिडरिंग से हम क्या करेंगे हमारे पर data frame DF है, इसमें से हम F name को delete करेंगे। तो सिंपली आप क्या कमांड दोगे डेल डेल की वर्ड डी एफ डीएफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम आप कुछ और डेटा फ्रेम का नेम होते तो आप वो नेम यहाँ पे देते विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम जो आपको डिलीट करना है फाइन एंड देन यू विल इट आप प्रिंट फंक्शन में भी इसको प्रिंट कर सकते हो सिंपली भी आप डी एफ लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा फाइन अब यहाँ पे देखो हमने एफ नेम कॉलम को डिलीट किया तो यहाँ पे नेम क्लास सेक्शन मार्क्स एंड एज आपका आउटपुट में क्या है एफ नेम कॉलम डिलीट हो चुका है ओके ओके नेक्स्ट मेथड है कॉलम डिलीट करने का डेटा फ्रेम डॉट पॉप और पॉप पॉप फंक्शन फंक्शन और के अंदर आप कॉलम नेम पास करोगे जो भी आप डिलीट करना चाहते हो फाइन अब यहाँ पे द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम डीएफ डिलीट द कॉलम एज हम क्या करेंगे एज कॉलम को डिलीट करेंगे राइट right? अब पॉप फंक्शन का क्या है यहाँ पे हमने कमांड दी डी एफ डॉट पॉप एज ओके इट द पॉप फंक्शन क्या करेगा क्या करेगा एज कॉलम को डिलीट करेगा और एज अ आउटपुट एज कॉलम को डिस्प्ले करेगा फाइन इट विल आल्सो रिटर्न द एज कॉलम एज अ आउटपुट समझ आ रहा है इसने क्या किया इसको डिलीट कर दिया एज कॉलम को डिलीट कर दिया और आउटपुट में एज कॉलम को uh, क्या करेगा ये शो करेगा इट विल डिस्प्ले इट इट विल रिटर्न इट फाइन ओके व्हेन वी डिलीट यूजिंग द पॉप फंक्शन नॉट ओनली द कॉलम related but also shows the content of the entire uh, column okay as the output of the command तो क्या करेगा as the output क्या show करेगा जो भी आपने column delete किया है तो उसका ये output में उस column को show करेगा फाइन नाउ इफ वी विल प्रिंट द डेटा फ्रेम वी विल फाइंड द एज कॉलम हैज बीन डिलीटेड और ये कमांड देने के बाद आउटपुट में तो आपको क्या मिलेगा वो पर्टिकुलर कॉलम ही एज अ आउटपुट आएगा जो आपने डिलीट किया है फाइन लेकिन अब अब आप दोबारा डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा उसके अंदर एज कॉलम आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इट हैज़ बीन डिलीटेड वो डिलीट हो चुका है Fine. समझ आया जब आप कमांड देते हो डी और उसके अंदर जो भी कॉलम नेम आप पास रहे हो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा और आउटपुट में क्या आएगा वो पर्टिकुलर कॉलम अलोंग द डेटा आउटपुट में क्या करेगा डिस्प्ले करेगा राइट right? तो अगर आपको देखना है कि कॉलम डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है आप दोबारा से प्रिंट कमांड दोगे आप दोबारा से प्रिंट कराओगे डेटा फ्रेम को तो आप देख सकते हो कि वो कॉलम डिलीट हो चुका है ओके नेक्स्ट मेथड हमारा है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन और ड्रॉप फंक्शन के अंदर आप या तो इंडेक्स वैल्यू पास करोगे उस कॉलम की जिसको आप डिलीट करना चाहते हो या फिर आप सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस पास करोगे अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ डिलीट करना है ओके okay? उन सब के इंडेक्स आप इसमें पास करोगे राइट right? एग्जांपल लेते हैं कंसिडरिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम डी एफ डिलीट द कॉलम मार्क्स हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है जिसके अंदर कॉलम्स है नेम्स टू क्लास सेक्शन एंड मार्क्स तो अभी यहाँ पे हम किस को डिलीट करें मार्क्स को डिलीट करें राइट कमांड क्या है

ओके okay, अगर प्लेस की वैल्यू ट्रू है इसका मतलब क्या है कॉलम जो आप डिलीट कर रहे हो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फाइन हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा बट अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो क्या होगा इस कमांड के रिजल्ट में तो डिलीट हो जाएगा पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो कॉलम डिलीट नहीं होगा फाइन बाय डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स ही होती है ओके okay, तो आपको इसको यहाँ एक्सप्लिसिटली ट्रू करना पड़ेगा अगर आप परमानेंटली कॉलम को डिलीट करना चाहते हो और अगर आप इस पैरामीटर को भी नहीं देते हो इन प्लेस पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो इसको फॉल्स ही लेगा और इस पर्टिकुलर कमांड में तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो कॉलम डिलीट नहीं होगा फाइन ओके okay? तो सिंपल हमने दिया मार्क्स कॉलम को डिलीट करने के लिए तो यहाँ पे देखो आपने इन प्लेस टू किया है और आउटपुट यहाँ पे हमारा आ गया है जो रिजल्ट क्या है विदाउट मार्क्स ठीक है मार्क्स के बिना आपका रिजल्ट आया ओके ओके एग्जाम्पल टू डिलीट टू कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स डिलीट करने हैं तो आप क्या करोगे डी एफ डॉट ड्रॉप डॉट ड्रॉप फंक्शन के अंदर आप एक कॉलम का नाम ना देके क्या दोगे लिस्ट ऑफ कॉलम्स दोगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपने लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे दिया एक्सिस आपका वन है इन प्लेस आपने ट्रू कर दिया ट्रू मीन्स ये कॉलम्स दोबारा मतलब ये कॉलम्स ओरिजिनल डेटा फ्रेम से भी डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली फाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर कमांड के रिजल्ट में ही डिलीट होंगे ओके okay? क्योंकि हमने इन प्लेस की वैल्यू दी है ट्रू राइट right? तो यहाँ पे हमने दो कॉलम्स को डिलीट किया स्टूडेंट क्लास एंड सेक्शन और आपका रिजल्ट आ गया है सिंपल आपके पास एक ही कॉलम बचा है रोहन यहाँ पे रोहन आ गया है ठीक है द पैरामीटर इन प्लेस इज इक्वल इक्वल्स टू टू विल ड्रॉप द कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम परमानेंटली ये मैंने आपको बता दिया है अगर इन प्लेस की वैल्यू आप ट्रू देते हो तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है कॉलम अदरवाइज इट वुड डू सो टेम्परेली बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इन प्लेसिज फॉल्स अगर आप नहीं करते हो तो ये क्या होगा इसको टेम्परेली मतलब उस कमांड के रिजल्ट में ही डिलीट करेगा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो डिलीट नहीं होगा और बाई डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू क्या होती है फॉल्स ओके चिल्ड्रेन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इन डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडस वन टिल देन कीप स्टडिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स Subscribe my channel for more useful videos. Thank you.